दोस्तों सी लैंग्वेज के चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड कंफ्यूजेबल टॉपिक टाइप डेफ। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझा था कि स्ट्रक्चर क्या है, और उसे हमने कंपाइल डिक्लेरेशन ये सारी चीजें करके देखी थी। अब उसी के बाद एक टॉपिक आपको मिला होगा आपकी बुक में, जो है टाइप डेफ, जिसने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान किया होगा अपने डेफिनेशन से या फिर प्रैक्टिकल यूज से। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि टाइप डेफ क्या होता है और टाइप डेफ का प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे टाइप डेफ का मतलब समझा जाए। टाइप डेफ का मतलब होता है टाइप डेफिनेशन। ये बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी डेटा टाइप को एक नया नाम देने के लिए या फिर उसे नए तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये चीज आपको ऐसे क्लियर होगी नहीं, हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या किया है कि एक प्रैक्टिकल है जिसमें प्रोग्राम हमने बनाया है दो नंबर्स को ऐड करने का, राइट। यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो ये इतना छोटा सा प्रोग्राम है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया यहाँ पे हमने ए, और एक वेरिएबल लिया बी, और एक वेरिएबल लिया सम। डेटा टाइप क्या है, इंट, क्योंकि सारा काम हम किसमें कर रहे हैं, इंटीजर में। तो इंट ए बी सम ये हमने लिखा। ए की वैल्यू दे दी हमने 10, बी की वैल्यू थी 25, सम में दोनों को ऐड करा दिया और उसे प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ पे इसे F9 करूंगा तो प्रोग्राम सक्सेस दिखाएगा, कंट्रोल F9 करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा एड ऑफ टू नंबर्स। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये जो हमारा डेटा टाइप है इंट, प्रीडिफाइंड आपको पता ही है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इंटीजर में, अब मैं इसे F9 करूंगा तो मुझे एरर शो करेगा। क्यों? यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपने इंटीजर लिखा ये अनडिफाइंड है, क्योंकि ये कोई डेटा टाइप नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी के तौर पे मुझे एक डेटा टाइप को यूज करना है, जैसे हमारा डेटा टाइप क्या है इंट, और इंट को मुझे यूज करना है इंटीजर के रूप में। तो वो काम आप कर सकते हो टाइप डेफ की मदद से। कैसे? बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कीवर्ड है टाइप डेफ वो लिखना है, उसके बाद जो पुराना नाम है वो आपको लिखना है। तो पुराना नाम क्या है इंट, डेटा टाइप का पुराना नाम क्या है इंट, और हम उसे नए रूप में यूज करना चाह रहे हैं वो क्या है इंटीजर। इतना लिखा, प्रोग्राम F9 किया, सक्सेस, कोई एरर नहीं। आउटपुट चेक करते हैं, कंट्रोल F9 35। बेसिकली क्या है कि आपका कोई भी डेटा टाइप है, अगर आपको उसे दूसरे नेम के साथ रिनेम करना है या फिर उसे दूसरे नेम के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम टाइप डेफ का यूज करते हैं। तो इस छोटे से प्रोग्राम में क्लियर हो गया होगा कि जो कोई भी हमारा डेटा टाइप है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, उसे हमें दूसरे नाम के साथ यूज करना है, तो वो काम आप टाइप डेफ से कर सकते हो। यही सेम कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर के साथ। हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर किया था और उसी में कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, तो स्ट्रक्चर में इसका कैसे यूज करेंगे ये समझते हैं। अब नॉर्मली यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बना रखा है जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि आप इस पोर्शन को भी साइड रहने दो, सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन समझना है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया जाता है। आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ सिंपली हम बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाला स्ट्रक, और ये हो गया हमारा टैग नेम। बेसिकली जो टैग नेम है वो एक डेटा टाइप की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब, आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक टैग नेम लिया और इसमें हमने तीन चीजें मेंशन की, राइट। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ हम क्या लिखते हैं, बेसिकली इंट लिखते हैं, फ्लॉट लिखते हैं, ये चीजें लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, एक डेटा टाइप की तरह। और यहाँ पे हमने एक नेम ले लिया कि ये डेटा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो हमने S1 के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैंने S1 लिखा, यूजर को कमांड दिया प्रिंट की मदद से कि एंटर योर रोल नंबर, तो यहाँ से रोल नंबर मैनेज हो रहा है। इसके बाद स्कैनर की मदद से हम उसे इनपुट ले रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने कैसे लिया, ये परसेंट लिया इंटीजर वैल्यू है, फिर यहाँ पे एम्परसेंट S1 डॉट रोल नंबर, यानी S1 जो पर्सन है उसके लिए हमें रोल नंबर यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने प्रिंटर किया एंटर योर नेम S1 डॉट नेम, एज मैंने लिखी नहीं है, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ये चीज हमने लिखी, F9 किया, प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो गया। कंट्रोल F9 किया तो यहाँ पे आ रहा है इंटर योर रोल नंबर, तो 123 हमने रोल नंबर डाला और नेम डाल दिया हमने राजेश, एंटर किया, तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। सवाल ये आता है टाइप डेफ का क्या यूज है। सपोज यहाँ पे भी स्टूडेंट लिखा है और यहाँ पे आप इसे स्टूडेंट की तरह यूज नहीं करना चाह रहे, आप किसी और नेम से यूज करना चाह रहे हो, तो आप करोगे क्या कि यहाँ पे आपको लिखना है टाइप डेफ। क्या लिखना है? टाइप डेफ। टाइप डेफ लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक दूसरा नाम लिखना है जिसके नाम से भी आप यूज करना चाहो। तो मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखें हम यहाँ पे स्टूडेंट की जगह, हमने यहाँ पे लिख दिया कैंडिडेट्स, कैंडिडेट लिखा हमने। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं इसको F9 कर रहा हूँ तो प्रोग्राम सक्सेस हो रहा है, स्टूडेंट के नाम से वर्क कर ही रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल दूं कैंडिडेट, क्या डाल दूं, कैंडिडेट, ये डाला F9 किया, तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा। और अभी अगर मैं यहाँ से कैंडिडेट हटा दे रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है
F9 किया तो एरर दे देगा, समझे आप। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसको मैं पहले जैसे लेके आता हूँ। लास्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको शो किया कि किसी भी डेटा टाइप को अगर हमें दूसरे नेम के साथ वर्क कराना है या फिर रिप्रेजेंट करवाना है तो हम टाइप डेफ का यूज कर रहे हैं। सेम वही चीज है, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो स्टूडेंट है वो एक डेटा टाइप की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ था और कोई भी एक नया वेरिएबल लिया उसके साथ और उसके साथ वर्क कर रहे हैं, जैसे S1 एक वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट यूज ना करके मैं कुछ और यूज करूँ, तो हमने टाइप डेफ लगाया, टाइप डेफ और इस डेटा टाइप को हमने किस में चेंज कर दिया, कैंडिडेट में। यहाँ पे कैंडिडेट की मदद से भी हम डेटा को कॉल कर पा रहे हैं, तो ये होता है टाइप डेफ का यूज, कि अगर आप अपने डेटा टाइप को किसी दूसरे नेम के साथ कॉल करवाना चाह रहे हो, रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हो, तो आप टाइप डेफ का यूज करते हो। सो आई होप कि दोस्तों टाइप डेफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।